टीम डायमंड गया 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 मारो पकड़ के मारो डबल वेक्टर से मारो हां मारो डबल वेक्टर जीडब्ल्यू करण के पास है नॉक एक निकाला जीडब्ल्यू करण कम ऑन कम ऑन कम ऑन कौन एक ऑन ओह माय गॉड यार कौन डबल वेक्टर भाई कौन बचा यार व्हाट अ गेम प्ले पीछे क्यों करण ने क्या ही धोया डबल वेक्टर और यहां पे कौन नॉक दैट्स कॉल दैट्स कॉल अ गेम प्ले ये क्या था भाई रोमियो भाई नीचे जाओ रोमियो भाई नीचे जाओ नीचे नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे से डैमेज दे दो नीचे से डैमेज दे दो अरे भाई साहब 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 अरे यार शिट यार टॉप टू टॉप टू हेलो गाइस तो कैसे हो सब लोग। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग खेलने वाले फेबिल फोर कप जो कि रैम्पेज वाला इवेंट है एंड इसमें गाइस सारे भी बैच वाले यूट्यूबर इनवाइटेड है गाइस ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस कल जो हमारा मैच हुआ था तो हम लोग गाइस क्वालिफाई कर गए कैसे कैसे किए आप लोग देखो वीडियो को पूरा एंड तक काफ़ी ज़्यादा मजा आया। कल जो है इसका फाइनल होने वाला है तो हम लोग भी फाइनल में खेलेंगे तो देखते क्या होता है। बाकी इस वीडियो को गाइस आप लोग एंजॉय करो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे भी बैच वाले यूट्यूबर है मतलब भी बैच ही भी बैच गाइस चारों तरफ देख सकते हो गाइस। एंड ये जो इवेंट है गाइस ये रैम्पेज का स्पेशल मतलब ओनली पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर के लिए है गाइस मतलब जिसके पास भी बैच है उन सभी के लिए देख सकते हो गाइस। पार्टनर प्रोग्राम मतलब फेसबुक प्रोग्राम जो भी सब कुछ सारे के सारे बंदे इधर है गाइस देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे हमारा टीम का जो नाम है वो है टीम डायमंड मतलब समझ सकते हो क्या है। एंड इस टीम में गाइस मैं हूँ और KTM फ्री फायर यानी कि नेशनल गेमर एंड रोमियो गेमर उसी के साथ साथ एसिसियंस आर्मी है गाइस यानी कि नयन भाई हम चारों ने जो है टीम बनाया। एंड यहाँ पे ओनली यूट्यूबर्स का टीम है एंड हम लोग जो है गाइस आपस में मतलब कभी नहीं खेले गाइस ठीक है मतलब लिटरली बताओ तो प्रैक्टिस करो करते थे बट हम लोग प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि भाई सबको काम होता है यूट्यूबर कितने बिजी रहते हैं आप लोग को तो पता है सब लोग बिजी रहते थे तो कोई एक टाइम पे रहता है कोई एक और टाइम पे रहता है इसी के कारण हम लोग जो है मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाए डायरेक्ट जो है टूर्नामेंट पे कूद गए थे गाइस फिर भी हम लोग मतलब क्वालिफाई कर गए ये बहुत बड़ी बात है। एंड आज जो है हम लोगों को प्रैक्टिस करना है एंड उसके बाद कल हम लोगों को मचाना है गाइस तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है गाइस। एंड देखो गाइस यहाँ पे जो मैच हुआ था वो छः में से गाइस हमारा इतना ज़्यादा बैड लक हुआ गाइस आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा गाइस ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो मतलब सबका नहीं गाइस मेरा ही बैड लक था। हम लोग जो है मतलब काफ़ी सारे मैचेस में काफ़ी सारे किल्स किए छः मैच हुआ गाइस टोटल छः में से मतलब भैया तो एक भी नहीं हुआ क्योंकि भाई बैड लक था ना भाई समझो गाइस थोड़ा सा एक्चुअली में बैड लक क्या था आप लोगों को देखने में पता चलेगा गाइस ठीक है। मतलब ऐसे टाइम पे गाइस बैड लक होता है मतलब क्या ही बताऊँ ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई के साथ ही होता है ओके गाइस। तो देखो गाइस वीडियो को जरूर से शेयर करना क्योंकि भाई ऐसे बैड लक किसी के साथ ना हो यार मतलब जीतने वाला मैच भी हार जाता हूँ भाई ऐसा बैड लक है ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे देखो बैड लक क्या हुआ था गाइस यहाँ पे मतलब जो बंदे ने बोया किया था ना यहाँ पे ये वाला टूर्नामेंट पे मतलब ये वाला मैच पे उसको पता नहीं लगा था कि भाई कैसे बोया कर दिया मैंने ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे दो बंदे नॉक हो जाता है एंड मैं गाइस यहाँ पे KTM को रिवाइव कर देता हूँ गाइस ओके। एंड इसके बाद देखना क्या सीन होता है यहाँ पे रिवाइव करता हूँ यहाँ पे अभी भी देख सकते हो सात बंदे हैं क्योंकि सबको जीतना था गाइस इतना छोटा जोन पे भी सात बंदे अलाइव क्योंकि सबको जीतना है एंड मतलब क्वालिफाई करना है गाइस। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ड्रैगन ऑफ था मेरा शॉट मिस हो गया एंड मैं आगे बढ़ रहा था गाइस ठीक है क्योंकि मेरे को किल चाहिए था हमारे टीम को किल चाहिए था तो मैं आगे जैसे ही आया गाइस यहाँ पे आने के बाद मेरा इंटरनेट ने हक दिया एकदम देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया था एंड एकदम मतलब ऐसे टट्टी कर दिया एकदम एंड टाइम पे भाई 99+ हो गया मतलब अपने जेन्युइन बोइया था जो वो मिस हो गया गाइस मेरा हेल्थ फुल था KTM का हेल्थ फुल था इजीली जो है यहाँ पे बोइया हो जाता बट क्या कर सकते हैं गाइस मेरा इंटरनेट ने इतना गंदा हगा अब क्या बताओ भाई एकदम लास्ट जोन पे भाई देखो यहाँ पे गाइस क्या हुआ था यहाँ पे मैं अटक गया मतलब कुछ भी नहीं किया और इसी तरह से मर गया गाइस KTM भी मर गया मैं भी मर गया एंड हमारा टीम टॉप टू पे मतलब टॉप टू तक आया गाइस ठीक है। के बाद उन पे इतने आसानी से रश नहीं हो पाएगा अंटिल अनलेस इनके पास जहां पे M79 हो यहां पे देखे तो मेरी यहां पे जो टीम है और ये फाइट लेती मिल रहा है डायमंड वर्सेस टीम नंबर 4 दैट इज फैंटास्टिक 4 टीम आई भी वर्सेस टीम जज यहां पे डायमंड को मारो गाइस टीम डायमंड गया मारो पकड़ के मारो डबल वेक्टर से मारो मारो डबल वेक्टर जीडब्ल्यू करण के पास है नॉक एक निकाला जीडब्ल्यू करण कम ऑन कम ऑन कम ऑन कौन एक ऑन ओह माय गॉड यार कौन डबल वेक्टर भाई कौन बचा यार
व्हाट अ गेम प्ले करण ने क्या ही धोया डबल वेक्टर नो क्या प्ले कॉल नो दैट्स कॉल अ गेम प्ले ये क्या था भाई एक ऑन फायर से दो भाई यार हां कोई कुछ बोल रहा था अभी मैंने कुछ सुना नहीं था तो नीचे फेंक दो नीचे से डैमेज दे दो अरे भाई साहब भाई साहब अरे यार शिट यार टॉप टू ओपी बोलते गाइस ओपी बोलते चट्टी खोलते ओपी बोलते टीम डायमंड क्वालिफाई वो भी फोर्थ नंबर पे जाएंगे अपन लोग पता है एक नंबर भाई क्या है किस तो इस तरह से सबने अपना अपना बेस्ट दिया एंड मतलब एक एक गेम पे दिया एंड इसी तरह से जो है हम लोग मतलब बोया किए मतलब लास्ट जोन तक हम लोग जा रहे थे बट अपने एक से दो बंदे पहले ही मर जा रहा था क्योंकि हमारे में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था हम लोग बिल्कुल मतलब पहले से नहीं खेलते थे हम लोग ठीक है पहली बार जो है हम लोग साथ में खेले गए ओके एंड इसी के कारण हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ बट टीम डायमंड जो है टॉप फाइव पे है टॉप सिक्स वाले यहाँ पे मतलब क्वालिफाई कर गए थे नेक्स्ट राउंड के लिए तो हम लोग टॉप फाइव पे थे एंड हम लोग इसी तरह से जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं एंड इसके बाद का हम लोग आपको थोड़ा सा हाईलाइट दिखाएंगे गाइस सीएस का पहला राउंड तो क्वालिफाई कर चुके हैं एंड सेकंड राउंड जो फाइनल होगा कल होगा देखते हैं गाइस कल क्या होता है फिलहाल जो भी होगा देखा जाएगा एंड अभी गाइस इस हाईलाइट को एंजॉय करो